गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो नाश्ता करने लगी हूँ मैं। नाश्ते में हमारे पास है सिर्फ चाय, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी मैंने इसके बाद रेडी होके जाना है डिपार्टमेंट। लोग हैं रेडी और अभी मैंने जाना है डिपार्टमेंट। बस मेकअप वेकअप हमारे पास की बात नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नहीं आता करना, ना मेरे से होता है। बस अभी हाथ मुँह धोया है और डिपार्टमेंट जाने लगी हूँ। लुबरा नीचे चीख रही है क्योंकि मैं फिर लेट हूँ। अभी हम डिपार्टमेंट जा रहे हैं, और आज का ट्विस्ट ये है कि हम डिपार्टमेंट से जाएंगे स्विमिंग पूल, और वहाँ पे साथ में पार्क भी है। बहुत मज़ा है। इसका मुंह बन रहा है क्योंकि शायद बस जलते हैं लोग मुझसे। मैं उस दिन पूल का प्लान कर लिया जिस दिन मौसम बहुत अच्छा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। और हमारी दोस्त आगे वेट कर रही है और गालियाँ दे रही है, तो हम जल्दी से चलते हैं। लो रहा है, हम आपको इतना इंतज़ार करवा के आ रहे हैं। हमने तुम आपने नाश्ता कर लिया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? और ये कहती मैं कब से रेडी हूँ, लुबना चेंज ले रही है। मैं रेडी थी वादा रेडी थी। ये लुबना चेंज रही थी एंड पे, दिखाती हूँ मैसेज एंड पे ये ले रही थी। करो कौन गलत था। यार मैं जल्दी आ रही थी, लेकिन वो ना फिर लुबना ने लेट। डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं और क्लास में जा रहे हैं, देखते हैं क्लास में क्या सीन है। कल प्लान तो हमने डन कर लिया था, अब कहीं कोई मुकर ना बैठा हो। कॉमन एसी में सोए थे, साढ़े चार कॉमन रूम बंद हुए, बस साढ़े चार बजे। हमारे साथ हर जगह पे ज्यादती होती है, हर जगह पे। टोटल छः लड़कियाँ रहेगी ना हमारे। प्लान डन हो गया और अभी हम पूल जा रहे हैं, लेकिन मौसम बहुत मज़े का हो रहा है। शायद बारिश हो जाए, लेकिन अब प्लान था तो प्लान अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम पूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, छुप के जाएंगे क्योंकि हम क्लास बंक करके जा रहे हैं। तो देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं। चल रहे हैं और हम 2 3 गो। देखो वो भाग गई, उधर से नजर भी नहीं आ रही इसको, वो कैसे भाग के जा रही है। और ये अभी हम भाग के जा रहे हैं क्योंकि हमारे टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और हम अपना लेक्चर बंक करके जा रहे हैं। अब हो गए हैं, हम आगे निकल आए हैं गेट तक, बाकी कुछ लोग अभी पीछे भी हैं, तो वो दो दो तीन तीन करके निकलेंगे। मज़ा आने वाले आ रहे हैं, और मौसम बहुत मज़े का हो रहा है, बहुत मज़े का। और बस जा रहे हैं, और हम सारे निकलने में कामयाब हो गए, आप देख सकते हैं। और अभी हम पूल जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन होने वाले हैं। पार्क जहाँ पे हमने आना था, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और हमें पता होता कि यहाँ आने तो हम कभी ना आते, लेकिन चलो अब आ गए हैं तो देखते हैं क्या सीन है। पार्क मतलब यहाँ पे तब आना चाहिए, ऐसे मौसम में आना चाहिए, पूल के लिए नहीं वैसे आना चाहिए। बहुत मज़े की लोकेशन लग रही है अभी से तो मुझे। अब आगे जाके देखते हैं क्या सीन होने वाला है। मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे पैसों की लड़ाई चल रही है कि कौन कितने पैसे देगा, कौन कितने, क्योंकि एंट्री फीसेस होती हैं यहाँ पे। और बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है, शायद इसकी वजह से मेरी आवाज़ कम आ रही हो। और तुम पैसे इकट्ठे करके कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। किसके पैसे हैं ये बताओ मुझे? पैसे पसीना एक करके जो खून पसीना, जो किसको पता ही नहीं होता क्या है। तो वो पैसों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्यों ना हम यहाँ पे आके झूले ले लें। और मुझे डर लग रहा है कि ये झूला गिर ना जाए, क्योंकि बारिश हुई है और नीचे सारा पानी है जहाँ पे मैं झूले ले रही हूँ, और पीछे भी सब झूले ले रहे हैं। आपको ये छोटा सा दरिया नज़र आ रहा है जिसको पुल बना के लेके आए हैं, उल्लू बनाया है इन्होंने हमें। कुछ नहीं आ रही कि ये मतलब पानी साफ़ होगा या नहीं, इसमें नहाना चाहिए या नहीं। ये हुआ है कि हम पूल में जा रहे हैं, तो पूल के बाद मिलते हैं क्योंकि गाने वगैरह लगना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, और कुछ लड़कियों की मतलब प्राइवेसी होती है तो वो भी मैं नहीं करा सकती शो। तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद मिलते हैं। नहीं आ रही, मैं कैसी लग रही हूँ इस उल्लू में? लाइक अभी हमने बिल्कुल स्विमिंग पूल के लिए हाथ से पुलिया बना लिया है, ताकि मैं तो कानों के ऊपर की, ताकि मेरे कान सेफ रहें, क्योंकि पानी बहुत जल्दी जाता है मेरे कानों में। कोई चार घंटे हम पूल में रहे हैं तकरीबन, हमको 11 बजे आए थे और अभी आई थिंक 2:30 के 3 बज रहे हैं, और फेस भी रेड हो रहा है मेरा। बहुत भूख लगी है नाश्ते पे, नाश्ते में भी चाय पी थी मैंने। तो अभी बाहर से देखते हैं कुछ खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अक्सा मज़ा आया?
आपको तो आई थिंक स्विमिंग आ भी गई है थोड़ी। हाँ, मेरा दिल ही नहीं आ रहा था बाहर निकलने का, मुझे जबरदस्ती निकलना है। कुछ खाते हैं क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीऊँ। मैंने कि हम बरकत मार्केट से कुछ खाते हैं और बहुत पहले बताया, बहुत भूख लग रही है और वहाँ से हमने कुछ चीज़ें भी लेनी है तो हम वो चीज़ें भी ले लेंगे। बहुत ज़्यादा शोर है, शायद मेरी आवाज़ कम आ रही है। बरकत मार्केट यहाँ पर कराची बिरयानी हमने ऑर्डर किया और हम बिरयानी खाने लगे। और मेरी दोस्त का सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, रात को शायद बुखार भी हो जाए। तो हम एडवांस में मेडिसिन ले के जाएंगे यहाँ से और मैं वाइट को दिख रही हूँ। चलो मेडिसिन।